दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि MIUI 10 ग्लोबल बीटा 9.6.20 के अंदर क्या फीचर्स न्यू आए हैं आपके Redmi 5A के अंदर। ठीक है दोस्तों, ओनली मैं Redmi 5A के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है ना, 9.6.20 के फीचर्स के बारे में। तो आपको Redmi 5A के अंदर कौन कौन से न्यू फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस अपडेट के अंदर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज लॉक की। चेंज लॉक दोस्तों सब में यहाँ पर एक जैसा लिखा हुआ आया है, एडिट लिंक अकाउंट इन बर्थडे फेसबुक बर्थडे एंड आपका जो है क्लीन अप नॉन-एसेंशियल परमिशन। तो दोस्तों ठीक है, तो मैं दोस्तों फीचर्स बताऊंगा। बहुत सारे फीचर्स आए हैं इस अपडेट के अंदर जो कि काफ़ी ज़बरदस्त फीचर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक फीचर्स के बारे में जो कि है 3D टच। दोस्तों काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर 3D टच जो है आ चुका है। यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, ऐसे ही आप एक बार होल्ड करेंगे और फिर आप जो छोड़ देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरेक्टली आप यहीं से जो है जा सकते हैं सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं 3D टच आपका जो है आ चुका है आपके Redmi 5A के अंदर। ठीक है दोस्तों, एंड अब दोस्तों है क्या है इसमें नेक्स्ट फीचर जो कि है यहाँ पर, जैसे ही आप जाएंगे लॉन्चर की सेटिंग्स के अंदर मोर के अंदर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेक टू फिल एम्प्टी सेल्स। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़बरदस्त फीचर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि इस तरीके से मैं आप कर देता हूँ और यहाँ पर इस तरीके की सेटिंग में चले जाऊँ, जैसे ही मैं फ़ोन को 3-4 बार सेक करूँगा तो आप देख सकते हैं, तो दोस्तों वर्क नहीं कर रहा आपकी रेडमी, हाँ कर रहा है दोस्तों Redmi 5A के अंदर भी वर्क कर रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कुछ ऐप, यहाँ पर जैसे मैं कर देता हूँ, जाता हूँ यहाँ पर दोबारा सेटिंग्स में एंड यहाँ पर सेक कर दिया हूँ मैं। तो दोस्तों बहुत लेट लगा रहा है, ठीक है, बहुत दोस्तों लेट काम कर रहा है Redmi 5A के अंदर। Redmi 4 के अंदर तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इसे भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर एनिमेशन आए हैं इस टॉगल के अंदर, नोटिफिकेशन टॉगल या आप नोटिफिकेशन सीड या नोटिफिकेशन पैनल कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं बाय फोन करता हूँ आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल जाती है, ठीक है, देख सकते हैं साइलेंट की एनिमेशन। तो दोस्तों एनिमेशन आ चुकी हैं इसके अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अच्छा लग रहा है, यानी कि MIUI 10 के अंदर एनिमेशन की भी आएंगी। और दोस्तों इसके अंदर और क्या आया है, एंड यहाँ पर चूँकि मैं काम काम के फीचर्स बताऊंगा दोस्तों और जो खास फीचर्स मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई काम के आपके नहीं है। सिक्योरिटी ऐप के अंदर जाएंगे एंड आपके यहाँ पर इस तरीके से आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पर न्यू पेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं एंड आपका शेड्यूल भी यहाँ पर जो है कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। एंड यहाँ पर अब दोस्तों और क्या है, एंड 3D टच तो दोस्तों आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा। एंड यहाँ पर दोस्तों अब ये अपडेट करने के बाद में आपकी एनिमेशंस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी, यानी कि आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलने लगेगा इस अपडेट करने के बाद में। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, आपके Redmi 5A के अंदर दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट है। और दोस्तों और क्या आया, एंड आपका MI क्रेडिट ऐप, ठीक है, और ये आपका न्यू आ चुका है। MI पे तो दोस्तों था ही, आप देख सकते हैं, अब इसके अंदर MI क्रेडिट भी ऐप यहाँ पर जो है आ चुका है, ठीक है ना, इस अपडेट के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ खास फीचर्स थे जो कि आपके काम आए होंगे आपके Redmi 5A के अंदर, और काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट, बैटरी बैकअप भी इम्प्रूव हुआ है इस अपडेट के अंदर Redmi 5A के अंदर। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलती हैं ऐसी अगली वीडियो में।